सांस की गति तेज है, जीवन का खुला पेज है। आहत आत्मा की व्यथा कथा पढ़ रही है कविता, आंखों की सरिता में डूब रही है धरती। जैसे जैसे डूब रहा है समय का सविता, सांझ आ रही है बांझ के पास। प्यास की पशुआ पीछे छोड़, आकाश को ओढ़, बुद्धि की बोरी में भर कर घास। बात की बिड़ई सिर पर धर, दुनिया का दुख ढो रही है घसकरनी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है डोमिन। डोमिन सवत सत्य सुनो, डोम में छुपा ओम। सौ के साथ शुरू जिंदगी, सौ के साथ खत्म होती है। संवेदनाओं के शमशान पर चेतना की चिता को, संवेदनाओं के शमशान पर चेतना की चिता को इंद्र भी बुझा नहीं सके बरसात में, फिर मर्द मेघ मड़रा रहे हैं क्यों। शिव शिव सुबह से शाम तक सवाग्नि सोख रहे हैं सूर्य। चीलम खींच रहे हैं डोम, व्योम पी रहे हैं धूम। चिता की अधजली लकड़ी चूल्हे में जल रही है, डक्ची में पक रहा है डोढ़ा। देवड़ी पर बैठी डोमिन डिवरी जला, बुन रही है चावल से कंकड़ व कीड़े। भूखे बच्चे सो रहे हैं, कुत्ते अंधेरे में रो रहे हैं। जगी बेटी पूछ रही है, पिता की पगड़ी से क्यों आ रही है दुर्गंध मुर्दों की। जगी बेटी पूछ रही है, पिता की पगड़ी से क्यों आ रही है दुर्गंध मुर्दों की। माँ उत्तर देती है, तुम्हारे पिता मसान से आ रहे हैं। माँ हमारे पिता को सब डोम राजा कहते हैं, तो फिर हम क्यों सोते हैं भूखे। डोमिन उत्तर देती है, ऐसे प्रश्न से अक्सर आंखें डबडबा जाती हैं और अबोध बच्चियां ढूंढ लेती हैं उत्तर चमकती मौन मोतियों में। कभी कभी डोम के दरवाजे पर स्वतः बजता है डमरू, लोकतंत्र की डगर से आते हैं देवगढ़ मोक्ष देने वाले को मोक्ष देने। उनका स्वार्थ जब पहुंचता है पास, तब परमार्थ में परिवर्तित हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं देवगढ़, जिसे देखकर गंगा गाने लगती है रोहित की माता तारा का करुण गीत। और आंखें और अनेक अनुश्रुतियां दोहराती हैं, तुदमुही के दिन खदकते चावल की बुदबुदाटे। और अनेक अनुश्रुतियां दोहराती हैं, तुदमुही के दिन खदकते चावल की बुदबुदाटे। अंत में डोमिन कहती है, अब सो जा बिटिया, अब सो जा बिटिया, सवेरा हो रहा है। धन्यवाद।